नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरों को शामिल करेंगे, आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में आज की सुर्खियों में शामिल करेंगे अमेरिका के टेक्सास शहर के चर्च में गोलीबारी की खबर, सब्जियां हुई महंगी की खबर, मिस्र के मौलवी का वीडियो वायरल की खबर, कारोबार जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे नोटबंदी की खबर, जियो बंद कर सकता है फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग की खबर, मनोरंजन जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे इंडियन रियलिटी टीवी सीरीज बिग बॉस सीजन 11 की खबर, कौन बनेगा करोड़पति का ग्रैंड फिनाले एपिसोड की खबर, और खेलकूद की खबरों में हम शामिल करेंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं अमेरिका के टेक्सास शहर के चर्च में गोलीबारी की खबर। अमेरिका के टेक्सास शहर के चर्च में गोलीबारी हुई है। स्थानीय समय अनुसार गोलीबारी सुबह 11:30 बजे हुई थी। अमेरिकन पुलिस के अनुसार हमलावर को मार दिया गया है। हमले में 27 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, कई लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस समय जापान के दौरे पर हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जापान से ट्वीट करके कहा है कि चर्च में घटित हुई घटना पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है सब्जियां हुई महंगी की खबर। एक बार फिर आम इंसान के किचन से सब्जियां बाहर हो गई है। इसका कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर मंडियों में 40 से 50 रुपए प्रति किलो में बिक रहे हैं, प्याज भी 50 रुपए प्रति किलो में बिक रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है मिस्र के मौलवी का वीडियो वायरल की खबर। मिस्र के मौलवी ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। वो क्या बात है हम आपको बताते हैं। मिस्र के मौलवी इमाम अल शफी ने कहा है कि इस्लाम में आदमियों को अपनी नाजायज बेटियों के साथ शादी करने की इजाज़त है। आप भी यह वीडियो देख सकते हो, हमने लिंक डाल दिया है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी हुई, और कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं पहली खबर नोटबंदी की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी की घोषणा की थी। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। नोटबंदी के दौरान कई लोगों ने फर्जी कंपनी बनाकर बैंक अकाउंट खुलवाए और उसमें काले धन को जमा किया, और बाद में काले धन को बैंक अकाउंट से निकाल लिया गया। सरकार की नोटबंदी पर रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कितना काला धन बैंक अकाउंट में जमा हुआ था और कितना काला धन बैंक अकाउंट से निकाल लिया गया, और कितनी फर्जी कंपनीज बंद करी है, इसके बारे में सरकार ने बताया है। रिपोर्ट के अनुसार 2,24,000 निष्क्रिय कंपनीज को बंद किया गया है। नोटबंदी के समय 35,000 कंपनीज के 58,000 बैंक खाते खोले गए। इन बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा किए गए, बाद में निकाल लिए गए। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है जियो बंद कर सकता है फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग की खबर। आपकी एक गलती से जियो की फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग बंद हो जाएगी। हम आपको ये बताएं, जियो ने कहा है कि यदि कोई यूजर एक दिन में 300 मिनट से ज़्यादा बात करता है तो यह समझा जाएगा कि यूजर जियो की कॉलिंग का इस्तेमाल कॉमर्शियल कर रहा है। इस कारण यूजर की फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग बंद कर दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई, और मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं पहली खबर इंडियन रियलिटी टीवी सीरीज बिग बॉस सीजन 11 की खबर। बिग बॉस 11 के 5 नवंबर संडे के एपिसोड में ढिंचैक पूजा घर से बाहर हो गई है। हम आपको बताएं कि ढिंचैक पूजा की बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड से एंट्री हुई थी। अब हम आपको बताते हैं मनोरंजन जगत की अगली खबर है कौन बनेगा करोड़पति का ग्रैंड फिनाले एपिसोड की खबर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड का प्रसारण
6 और 7 नवंबर को किया जाएगा। इस शो में इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह और बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन नजर आएंगे। खबर आ रही है कि युवराज सिंह 2011 में हुए वर्ल्ड कप को याद करके आंखों में आंसू आ गए। 2011 के वर्ल्ड कप में ही युवराज सिंह को पता लग गया था कि उन्हें कैंसर है। 6 और 7 नवंबर के एपिसोड को अभिनंदन आभार का नाम दिया है। अब हम आपको बताते हैं खेल कूद की खबरों के बारे में, और खेल कूद की खबरों में हम आपको बताते हैं कल हुए क्रिकेट मैच के रिजल्ट के बारे में। कल पाकिस्तान वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। इस मैच का रिजल्ट आ गया है। यह मैच पाकिस्तान वुमेन ने 5 विकेट से जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड सना मीर को दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड सोफी डिवाइन को दिया गया। तो यह है हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।